बेटी, कल से तुम हमारी कंपनी की नई एमडी बनोगी। क्या मतलब है? तुम्हें अपने भाई की जगह पर काम करना होगा। वो भी यही चाहता था। हमेशा यही कहा उसने कि तुम हर लिहाज से इस पोस्ट के काबिल हो। और मेरी बेटी, मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया आपका। और तुम छोटी बेजुन साहिबा? कौन मैं? हाँ तुम। क्या तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो? आज से तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगी। क्या? क्या वाकई में? हाँ? यानी कि जो कुछ मैं चाहूंगी मिलेगा मुझे? हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहोगी। मैं मानता हूं कि तुम हमसे दूर रही हो, यानी तुमने तालीम किसी और जगह हासिल की है, अकेले ही मुश्किल हालात फेस किए हैं, लेकिन वो दिन अब खत्म हो गए मेरी बेटी। आज के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। वाकई मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ बाबा, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, अब से तुम हमारे साथ कंपनी में काम करोगी। क्या? हाँ, मेरे और अपनी बहन के साथ। हम सब एक साथ मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे और एक दूसरे से हरगिज जुदा नहीं होंगे। अब हम एक मिसाली फैमिली बनेंगे जासू। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं अपनी पुरानी गलतियाँ कभी नहीं दोहराऊंगी। वो गलतियाँ जो मैंने जान के साथ की थी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, यकीन करो। हकान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं सर। मर्द चलहान। खुश आमदीद मर्द साहब, बैठिए। मेरा नाम हकान है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मसला मेरा जाती नहीं बल्कि चलहान होल्डिंग के लिए भी अहम है। आपके लिए काम करना मेरे लिए काबिले फखर है। इत्मीनान रखिए, जो मुझसे हो सका वो मैं जरूर करूंगा। बहुत खूब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। ओके सर, क्या ये मसला कंपनी से मुतालिक तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं कंपनी से मुतालिक नहीं है ये। इस तस्वीर में जो औरत है, आप मुझे वो तलाश करके देंगे। इनका तकरीबन 16-17 सालों से कोई अता पता नहीं है। एक दिन वो घर छोड़कर चली गई और उसके बाद वापस नहीं आई। ये छोटी लड़की उनकी बेटी है, इसका नाम रिजा है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यानी ये मसला बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी और मौत का। मुझे जो भी तफसीलात मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मगर सर जितना जल्दी हो सके तलाश करें। समझ गया, आपको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए मिल जाएगा आपको। जरूरत पड़े तो सारा काम छोड़कर इस पर काम करें आप। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहें सर, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे थोड़ी सी हिम्मत दो प्लीज। मैंने अपने भाई से वादा किया है, प्लीज करीम के लिए, हमारे लिए। चलो अम्मी। जासू, ओह तुम कंपनी के लिए पुरजोश हो। डरो नहीं बिल्कुल, मेरा मतलब है तुम सिफर से शुरू करोगी, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। आप जासू ऐसा ना करो मेरे साथ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है
मैंने जान के साथ जो गलतियां की मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगी। यकीन करो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? क्या अम्मी को कहीं देखा है आपने? मैंने अभी अभी चेक किया है, वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आई। तुम कमरे में देखो, हो सकता है वो अपने वॉशरूम में हो। अम्मी, इसको भी अभी आना था। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना अम्मी? कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से गिर गया था। छोड़ दें ये सब, मैं उठा लेती हूँ। नहीं, मैं खुद उठा लूंगी, तुम रहने दो। छोड़ो ना अम्मी, छोड़ दें इसे। छोड़ो, क्या आप छोड़ेंगे प्लीज इसे? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे तो ये अम्मी क्या कर रही हैं आप? कितनी ज्यादा खाएंगी मेडिसिन? छोड़े दें, जरा देखिए अपने आप को, संभाले खुद को अम्मी। क्या मैं मजबूर और बेबस नहीं हो सकती? नहीं देखो मुझे इस तरह, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं देखो ऐसे। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है, हम संभाल लेंगे सब कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, संभाले जांचू। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारा भाई भी चला गया लेकिन तुम नहीं जाना। मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी, मैं जानती हूँ जांचू, मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ नहीं बन सकी, मेरे पास कोई हक नहीं है ये कहने का, लेकिन प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारी पूरी फैमिली को बहुत जरूरत है। Ölecek falan değilsin sevmekten beni. En son böyle görmüş oluyorum bizi. Sessizce izlemek var mı özgidişimi? Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Sessizce titriyor kuru dudakların, dans etmiyor ahenkle ıslak saçların. En son böyle görmüş oluyorum seni. Sessizce izlemek var mı özgidişini? Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Bahut khoobsurat phool hai ye. Kya tum inka matlab janti ho? नई जिंदगी का आगाज। हाँ, एक नई जिंदगी का आगाज। जानसू, जानसू, आज तक हम पर जो भी सिचुएशन गुजरी है,
और जो भी बुरा वक्त आया, हम उन सबको हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। क्या हम किसी और दुनिया में जाएंगे करीम? सबसे पहले तो इस दुनिया की फिक्र छोड़ेंगे। अगर किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो भी हम खुश रहेंगे। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। कोई सवाल नहीं करूंगा तुमसे। मैं यहां से हर चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती हूं करीम। मैं जानता हूं जानसू, जानता हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। अगर तुम करीम के साथ एक होना चाहती हो तो सिर्फ यही दुनिया ही नहीं बल्कि उस दुनिया में भी सबका सामना आसानी से कर लोगी। तुम्हारा भाई भी चला गया लेकिन तुम नहीं जाना। मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारी पूरी फैमिली को बहुत जरूरत है। क्या हुआ, तुम रो रही हो करीम? पहले बताओ मुझे कि तुम रो क्यों रही हो। मैं ये नहीं कर सकती करीम। क्या? मैं किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं इस सबसे निजात नहीं हासिल कर सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्या मतलब? खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी कर। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। तुम्हारी फैमिली का मसला है। हम एक दूसरे को मिल गए, अब क्या चाहिए? देखो करीम, मैं तुम्हारे जितनी बहादुर नहीं हूं। हिम्मत नहीं है मुझ में करीम। तुम्हें तो मैं मिल गई ना, लेकिन जिससे मुझे तुम मिले मैंने तुम्हें खो दिया। ऐसा मत बोलो तुम। हाथ थाम लो मेरा। इधर आओ। तुमसे प्यार करता हूं। मुझे छोड़कर गई तो पीछे नहीं आऊंगा मैं। मैं आज तक तुम्हारे पीछे भागता आया हूं, लेकिन मैं अकेला ये रिश्ता नहीं बचा सकता। वो देखो, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। करीम, अगर तुम नहीं आए तो मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, ये याद रखना तुम।
जानता हूं कि तुम आओगी। नरगिस, खुशामदीद। देखो मैं तुम्हारे लिए बेकरी से क्या लेकर आई हूँ, खाओगी ना तुम? या अल्लाह नरगिस, तुम्हें नहीं पता मैंने ज़िंदगी में क्या क्या झेला है। ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए झेला है। आह आह नरगिस, आई आई मेरी लाइफ शो की शुरुआत कैसी है? बस बहुत जबरदस्त। नरगिस, जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। चलो अंदर चलें। आओ इधर आ जाओ, इधर बैठ जाते हैं। हम ऐसे बैठकर बातें करते हैं जैसे टीवी पर बैठते हैं। अब क्या करें क्या करें, तुम्हें पता तो है पेपराजी को मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें पता तो है मुझे लाइव टीवी शोज का तजुर्बा नहीं है। तुम मुझे बताओ कि कल क्या बोलोगी? कुछ ऐसे सवालात हैं तुमने तैयार किए जो तुम बोलना चाहती हो, मैं उन्हीं में से सवालात तैयार करूंगी, परेशान मत होना। आ, एक शर्त पर। कैसी शर्त? देखो, यू हैव टू मेक दिस बिग, ये सब जगह पब्लिश होना चाहिए। इंटरव्यू ऑफ द ईयर, हॉट न्यूज, लेकिन ये जरूर सबको देखना पड़ेगा। देखो, अगर तुम मेरे मतलब की चीजें बताती हो तो मैं उन लोगों को भी दिखा सकती हूँ जो कुरान्स की फैमिली को भी नहीं जानते हैं। जलीहा आ जाओ। मतीन, अंदर आ सकता हूँ मैं? ये सब कुछ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। जानता हूं मुझे पहले ही ये सब कुछ करना चाहिए था, जो पहले ना कर सका वो अब कर रहा हूं। जान, जहां भी होगा हमें देख रहा होगा और खुश होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हर दफा माफी मांग के फिर वही गलती दोहराते हो। अब भरोसा नहीं है तुम पर मुझे। क्योंकि मैं बेवकूफ था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे और मेरे बेटे के साथ किया? तो ये नहीं हो सकता। और तुम्हें मैं इस रूम में भी नहीं देखना चाहती। तुम यहां से गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो रहो, मैं ही चली जाती हूं। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। बस इतना बता दूं कि मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन तुम वहां जरूर आओगी।
खैरियत तो है? तुमने बहुत देर लगा दी आने में। मैं अपने एक दोस्त के साथ ही टाइम का पता नहीं चला। आप गेस्ट रूम में जा रहे हैं क्या बाबा? जाना पड़ेगा। जो कुछ भी मुझे करना पड़ा मैं करूंगा, जब तक मेरी फैमिली और मेरी कंपनी दोनों अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाते। लाए मुझे थे, मैं आपकी मदद कर देती हूं। मैंने सुना है तुम्हारे और मतीन के अफेयर के बारे में सुरैया को पता था पहले से, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने जानकर नजरअंदाज किया। तुम क्या कहती हो, तुम्हें लगता है उसे पता था? जाहिर है उसे पता था, मुझे पूरा यकीन है। वैसे ही सुरैया है कौन, तुम जानती हो क्या इसे? वो बहुत तमाशा करती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत तमाशा करती रहती है। फिर मतीन उसे मनाने के लिए एक हीरे की अंगूठी देता है, हार लाके देता है मतीन उसे, वो फिर एकदम चुप हो जाती है। ऐसा है क्या? मेरा मतलब है आप उससे और क्या तवक्को रख सकती हैं, वो एक बहुत बुरी औरत है। लेकिन मुझे पता है कि वो मतीन को क्यों नहीं छोड़ रही है, उसके प्यार में कोई उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि उनकी शादी बस एक कागजी शादी। बदनामी की बात है, दुनिया को पता लगने दो, सुरैया और मतीन के बीच में कोई मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं है। अगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो नाजायज है तो उसके लिए भी नाजायज है। वो आज आया था यहाँ पर, यहाँ इस घर में। लगता है उन्होंने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया है, कहीं तुम ये टेलीकास्ट इंतकाम लेने के लिए तो नहीं कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या नरगिस? तुम्हें पता भी है कि मैं सालों से क्या कुछ झेल रही हूँ मतीन के साथ। ये सब कुछ मेरी बच्ची आलिया के लिए है। मैं एक खूबसूरत परी जैसी लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सच पता चले, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास मेरी बेटी आलिया है। मेरा मतलब है कि जो कुछ मैंने झेला है वो सब कुछ मेरी बेटी ना झेले। ठीक है, तो अच्छी सी तैयारी करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बनने वाली है। अरे वाह, तैयारी से मुझे याद आया, मैं अपना मेकअप और अपने बाल कैसे सेट करूं मुझे ये बताओ। हाल ही में मैंने एक नीले रंग की ड्रेस खरीदी है, मैं जब वो पहनती हूँ तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मुझे नीला कलर पहनना चाहिए या लाल कलर। तुम बताओ मुझे, मुझ पे लाल कलर बहुत आम नहीं हो जाएगा? आपने कहा था कि आप कंपनी से शुरू करने वाले हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? कुछ हफ्तों का वक्त चाहिए मुझे। नहीं। लेकिन बाबा, कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ सबने ज्यादती की है, लेकिन अब और नहीं, हर कोई तुम्हारा साथ देगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब मेरी दूसरी बेटी भी अपने बाबा की कंपनी में काम करके खुद को प्रूफ करके दिखाएगी। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। शब बखैर मेरी बेटी। आपको भी शब बखैर बाबा। आपसे कुछ बात करनी है, मेरी बात सुन ले। हाँ बोलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपके अलावा मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मेरी बात को समझे आपा प्लीज। कर रहे हो? ये पकड़ो। तुम ये फूल क्यों तोड़ रहे हो आखिर? ये चांसू के फूल है, मेरे बाबा ने उसके लिए लगाए थे। उसने तुम्हें सच बता दिया क्या? उसकी बारी ही नहीं आई। मतलब? मुझे छोड़कर चली गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। क्या कह रहे हो? क्या कहा जानसू ने? वो बहादुर नहीं थी,
उसके लिए सब कुछ छोड़ना मेरा साथ देना बहुत मुश्किल था। कहा कि वो मेरे जैसे नहीं और मुझे छोड़ के चली गई। तो अब तुम क्या करोगे? सब खत्म हो गया सब कुछ। जाओ उसकी मदद करो, उसके पीछे जाओ, सब्र करो। थक चुका हूं यार ये सब करते हुए। क्या कोई एक बार मेरी मदद कर सकता है? कोई मेरे पीछे एक बार भाग सकता है? सिर्फ एक बार मेरे दोस्त। क्या ऐसा है कोई दुनिया में? कल काउंसिल से मिल रहा हूं मैं, अगर मामला क्लियर हो गया तो तुम जा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? हाँ, लेकिन तुम कल तो वहां मौजूद होगे ना, मतलब फौरन तो नहीं चले जाओगे? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं पार्टनर। बताओ क्या बात है? जानसू की फैमिली। तुम बेफिक्र होके जाओ, काम हो जाएगा, खुद को हलकान मत करो। तो माफी तलाफी करो, मेरी बात समझ लो। मैं कंपनी में कई साल से मैनेजर रही हूँ, मुझे लोगों के बारे में पता है। मुझे आंखें देखकर पता चल जाता है कि कौन कब झूठ बोल रहा है और कौन सच। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का फसाना बता रही हैं मुझे, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आप कंपनी के मामलात को अच्छे तरीके से जानती है ना? ठीक है, देखे मैं कंपनी में काम नहीं कर सकती क्योंकि बहुत जल्द मेरे एग्जाम्स होने वाले। झूठ है, तुम स्कूल का बहाना बना रही हो। आखिर सच क्या है वो बताओ। तुम क्यों काम नहीं करना चाहती? जानसु, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, मत रो। मैं नहीं बता सकती आपा। जानसु क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि तुम बात करना चाहती हो मुझसे, तो क्यों नहीं कर रही? तुम्हें कंपनी नहीं जाना अब बता रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं जो अच्छी बहन साबित नहीं हुई, जान को दुश्मन समझा, हमेशा एक हरीफ की तरह समझा उसे। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं जानसु, जो गलतियां मैंने की वो दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। मेरा यकीन करो, अब मैं बड़ी बहन की तरह हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी और बिल्कुल नाकाम नहीं होंगी। मुझ पे भरोसा कर सकती हो। पापा मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई, मैं आज तक सब पर यकीन ही करती आई हूं। जानती हूं मैं। ठीक है, तुम्हें ये तस्वीर तो याद होगी। पापा ये क्या करी है? तुम्हें पता है कि मैंने ये क्यों रखी है अपने पास? मैंने सोचा था कि ये वक्त पड़ने पे काम आएगी। देखो, डिलीट कर दी, अब तो यकीन करोगी मुझ पे? मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या? और मैंने ओलिविया में काम करना शुरू कर दिया। ओलिविया? चालहान ऑर्गेनिक मार्केट में? जी हाँ, सेल्स गर्ल के तौर पर। क्या कह रही हो, मैं समझी नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, मुझसे ऐसे आप उसे इस तरह से कोई सवाल नहीं पूछ सकती। किसी तरह मेरी किस्मत मुझे वहां पे ले गई और मैंने जाकर वहां पे काम करना शुरू कर दिया। इसमें कौन सी गलत बात है? इस तस्वीर में जो लड़का है वही है? हाँ करीम, वही ओलिविया में असिस्टेंट है। असिस्टेंट है वो? हाँ, नॉट नोबल नॉट रिच,
वो सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट है। उसकी अम्मी एक कुक है और उसके बाबा एक गार्डनर है, और वो लोग चालहान फैमिली के लिए काम करते हैं। तुम चालहान की बात करिए जिससे अम्मी शादी करवाना चाहती है जानसू। हाँ, वो मर्ट है और करीम उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों अलिफिया साथ में संभालते हैं। बस कर दो जानसू, बस। आखिर तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम किसी मूवी की हीरोइन है और तुम्हारी बात मानी जाएगी? तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस कर दो जानसू, तुम उससे प्यार नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो जानसू? आखिर तुम ऐसे शख्स से कैसे प्यार कर सकती हो? सुनो, भूल जाओ उसे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ जानसू। और जब अम्मी को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कम से कम हमारे गम के बारे में तो सोचो। नहीं, आप अम्मी को नहीं बता सकती है। क्यों नहीं बताऊं मैं? हम इस बारे में बात कर चुके हैं, इस वजह से मैंने आप पर भरोसा किया। वादा करें कि आप अम्मी को नहीं बताएंगे, जान की कसम खाएं। प्लीज आपा। ठीक है, कुछ करती हूँ। आप बाबा से बात करेंगी ना? मैं कंपनी में काम नहीं कर सकती, मुझे कल ओलिविया जाना है। ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। मेरी बात गौर से सुनो, जानसू और करीम जैसी कोई चीज नहीं है, ना मुमकिन है। हमारी फैमिली नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझ आ रही है ना तुम्हें? बेवकूफ। जानती हूं मैं। आ गए बेटा, तुम्हारी आवाज सुन ली थी मैंने, लेकिन मैं खुद बाहर नहीं आई क्योंकि अम्मियाँ हर चीज में दखलअंदाजी नहीं करती है ना यलमाज। ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं रख सकता। तुम बाहर जाना चाहते हो ना? बेटा क्या हो गया? क्या तुम्हारी और मर्ड की फिर से लड़ाई हुई है? हाँ, बैठ जाइए अम्मी। हाय यलमाज। बैठो आयशा, सुन लेते हैं। ये आखिरी बार है, दोबारा उस मौसम पे कोई बात नहीं होगी। जानसू ने ब्रेकअप कर लिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मजबूर मत कीजिएगा। क्या हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हो? यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। मगर बेटा इस बारे में हमने कल ही बात की थी और तुम खुश। बाबा प्लीज, अब और नहीं। क्या मतलब ना करें, जानना हमारा हक है। हम तो बहुत सुकून में आ गए थे कि तुम्हें अपनी जैसी कोई लड़की मिल गई है। क्या मतलब जानसू से ब्रेकअप हो गया? बेटा वो हमारे घर भी तो आई थी और उसने यहाँ बैठ के हमारे साथ खाना भी तो खाया था, और मैंने उसको अपनी मरहूम मम्मी का हार भी दे दिया था, और मैंने उसे अपना दिल दिया था। ठीक है, सब खत्म हो गया, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है बेटा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी रहने दो। नहीं बाबा नहीं, अब इस बारे में और कोई सवाल नहीं होगा। अरे बेटा अपने बाबा पे क्यों चिल्ला रहे हो? मत चिल्लाओ तुम, हमें वो बहुत अच्छी लगी, हमें लगा तुम एक दूसरे के लिए बने हो। मम्मी आपको पता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अगर आपने ये बात खत्म न की तो मैं आप सबको छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, जानसू का मामला खत्म हो चुका है। बेटा जिलमास जाने दो उसे।
सुबह बखैर आयशा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग बेतिया साहिबा। ये तुम क्यों कर रही हो काम? लड़कियाँ कहाँ गई? वो गई हुई हैं, इसलिए ये मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे रिलैक्स करता है। क्या हुआ है? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। ठीक है ठीक है, चलो तुम अपना काम जारी रखो। बर्ट बेटा बात सुनो मेरी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जासू और करीम के बीच में क्या हुआ है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ प्लीज। नहीं नहीं आयशन आंटी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, यकीन करें मेरा। ठीक है आंटी। दादी मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तो सब कुछ आ जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी वजह से इतनी फिक्रमंद रहती हूँ। सीख गया काउंसिल होल्ड करने के लायक भी हो गया हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ऐसा क्या? मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, पहली मीटिंग ओलिविया में होगी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बात सुन के जाओ। मैं गैस करता हूँ। मुझे तुम पर नाज है मेरे पोते, तुम बहुत जहीन हो, ध्यान से काम करना। जाहिर आप इन सब में से कुछ नहीं कहेंगी। मैंने आपको एक डील ऑफर की थी। दादी आप इतनी बेरहम कब से हो गई हैं? अब जो तुमने मुझे दिल का दौरा देने की कोशिश की है। मैट कौन है वो लड़की बताओ मुझे। देखिए दादी, आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत खास है, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। ठीक है चलें, खुदा हाफिज। मैं जो नहीं करना चाहती उस पर मुझे मजबूर मत करो मैथ। मैं हूं, सुनो मैं आज नहीं आ रही हूं, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरे पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। क्या हाल है तुम्हारी? ठीक हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग।